भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार पवन सिंह अपने फिल्में और गीतों को लेकर हमेशा चर्चा में बने हुए रहते हैं, लेकिन इस बार पावर स्टार पवन सिंह कुछ अलग ही वजह से चर्चा में आ चुके हैं। जी हां, आपको बता दें कि पवन सिंह आपको जल्द ही नजर आएंगे टीवी के टॉप शो द कपिल शर्मा शो में। जी हां, आपको बता दें कि द कपिल शर्मा शो में तो वैसे भोजपुरी के सारे सितारे पहले ही धमाल मचा चुके हैं, जैसे कि मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश यादव निरहुआ, खेसारी लाल यादव, आम्रपाली दुबे, रानी चटर्जी जैसे अभिनेता और अभिनेत्री ने इस शो में चार चांद लगा चुके हैं। लेकिन ऐसा पहली बार होगा जब भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार पवन सिंह इस कॉमेडी शो में भोजपुरी तड़का लगाते हुए नजर आएंगे। जी हां, पवन सिंह ने द कपिल शर्मा शो की शूटिंग पूरा कर लिया है, जिसका प्रसारण जल्द ही सोनी टीवी पर किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि पहली बार पवन सिंह इस शो में आ रहे हैं, सोनी टीवी ने उन्हें पहले भी आमंत्रण किया था, लेकिन फिल्मों में बिजी शेड्यूल के कारण वो कॉमेडी शो नहीं कर पाए शूट। लेकिन अब पवन सिंह द कपिल शर्मा शो में भोजपुरी तड़का लगाते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ इस कॉमेडी तड़का तो में एक बार फिर से दिनेश यादव निरहुआ के साथ आम्रपाली दुबे और लुलिया गर्ल के नाम से मशहूर अदाकारा निधि झा भी तड़का लगाते हुए नजर आएगी। जी हां, आपको बता दें कि खबर यह भी आ रही है कि पवन सिंह ने कपिल शर्मा के साथ हमार वाला डांस पर भोजपुरी तड़का किया है। साथ ही साथ इस पर निरहुआ, आम्रपाली दुबे और निधि झा ने भी अपना भोजपुरी रंगारंग कार्यक्रम द कपिल शर्मा शो में पेश किया है। अब देखना यह होगा कि द कपिल शर्मा शो का पवन सिंह वाला अवतार कब सोनी टीवी पर प्रसारण किया जाएगा, जिसका खुलासा बहुत जल्द ही किया जाएगा। वैसे आपको बता दें कि पवन सिंह के फैंस चाहते थे द कपिल शर्मा शो में एक बार पवन सिंह जरूर जाएं, और आखिरकार पवन सिंह द कपिल शर्मा शो में चले ही गए। और अब भोजपुरी का तड़का पूरे वर्ल्ड में फहराएगा, क्योंकि पवन सिंह का लॉलीपॉप गाना आज भी पूरे इंडिया में बड़े ही धूमधाम तरीके से बजाया जाता है, और उनका नया वाला गाना यानी कि पवन सिंह वाला डांस लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है।